अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सूर्या शहबाज़। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल में अंबे आलू का सालन। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने सोचा आप लोगों से अपनी रेसिपी शेयर करूँ। तो जी बनाना स्टार्ट करते हैं अंडे आलू का सालन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप ऑयल और इसको गरम करने के लिए रख दूंगी। ऑयल हो चुका है हमारा गरम। मैंने एक प्याली प्याज ली थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन के जवे और इसमें मैं डालूंगी छिलका उतारे हुए 2 टमाटर बड़े साइज के और इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें 2 से 3। अब हम इसको हल्का सा एक मिनट फ्राई करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको हम ग्राइंडर में डाल देंगे पूरा और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो चुका है, हमने फ्लेम भी ऑन कर देना है। ये हमारा मिक्सचर तैयार है, हम इसको डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस अपने। स्पाइसेस में मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 2 लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून भर के नमक जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। अब इसको अच्छे से हम लोग कवर कर देंगे। इसका कच्चापन निकल गया है, इसको हम लोग कवर निकाल देते हैं गैस। और ये देखें, अब हम इसमें डाल देंगे दही 1 कप और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये लेंगे 5 कश्मीरी लाल मिर्चें, घर में ही सुखाया था मैंने। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। मसाला हमारा भून चुका है अच्छे से, अच्छे रंग इसका सही से निकल गया है, ये देखा। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी 3 से 4। मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे वो। अब इसको अच्छे से सालन फ्राई कर देंगे 2 मिनट तक। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसको मिक्स करके कवर कर दूँगी। ये बन चुका है, आलू गल चुके हैं। इसमें अंडे डाल दूँगी 4 से 5 और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये मिर्चें हरी कट करके मैंने रखी हुई थी। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना और धनिया मिक्स। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा तैयार हो चुका है। मज़ेदार सा हमारा सालन तैयार है आलू अंडे का। मैंने इस पर गार्निशिंग के लिए कसूरी मेथी डालना भूल गई थी, वो डाल दिया। ये बहुत मज़ेदार टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। सबका ही पसंदीदा होता है नाश्ते में, खाने में, जब भी आप ट्राई करें। कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी आलू अंडे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।